हाँ महाराज, अब आया जन्माष्टमी देखने। कालो में काल माँ कालू में, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, मौत भी मैं, माँ काल भी मैं। हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पे आने को मिला आज के दिन। और जैसे आप देख रहे हैं कितना सुंदर सजा के रखा है दुल्हन की तरह मंदिर को। पहली बार मैं ये दर्शन कर रही हूँ प्रभु श्री कृष्ण के। मैं इतने दिन से उनसे लड़ रही थी कि सबको बुलाते मुझे क्यों नहीं बुलाते। महाकाल की नगरी से सीधा कृष्ण की नगरी में, और हर का मिलन तो शुरू से होता आ रहा है। तो हरि के जो भक्त हैं और हर के ना, और हर के जो भक्त हैं वो हरि के ना। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इतनी दूर से मुझे बुलाया इधर, हमने दर्शन दिए, बर्थडे के दिन बुलाया मुझे। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। आप देखेंगे जन्मस्थान को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा जन्मस्थान रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। संदेशा आया है, बिहारी जी आ रहे हैं। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। मैं इस वक्त हूँ कान्हा की नगरी मथुरा में, और मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। आप देखेंगे जन्म स्थान को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरा जन्म स्थान रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। आप जिधर आप नजर डालेंगे उधर ही रंग बिरंगी आपको रोशनी नजर आएगी, और रंग बिरंगी लाइटें आपको दिखाई देंगी। देखिए कितना सुंदर ये पूरा गेट को सजाया गया है। अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर आ रहे हैं आप देखेंगे, और ये देखेंगे भोले के रूप में यहाँ पर बन के आ गए हैं। राधे राधे। राधे राधे, कोटि कोटि प्रणाम आपको। कहाँ से पधारे महाराज? हम ऋषिकेश से। ऋषिकेश से यहाँ कान्हा की नगरी में? हाँ महाराज, अब आया जन्माष्टमी देखने। कालो में काल माँ कालू में, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, मौत भी मैं, माँ काल भी मैं। ओ, कैसे मन कर गया यहाँ आने का? हम जन्माष्टमी देख रहे हैं महाराज, कोटि कोटि प्रणाम आपको। तथास्तु, सदा खुश रहो। विधि का विधान है, क्या लेके आए क्या लेके जाएगा, अच्छाई और बुराई कर्म लेके जाएगा। आता दिखे ना जाता दिखे, दे मुझे उत्तर कि कौन है वो आत्मा। दुष्ट पापी तू कौन है, अपना परिचय दे मुझे। ये उत्तर पूछा था हनुमान से महादेव ने कि तू कौन है। उसने बोला मैं हनुमान हूँ। हमने पूछा दुष्ट पापी तू कौन है, वो बोला हम हनुमान पुत्र है। हम तेरे नाम से नहीं, तेरे कर्मों से जानते हैं तुझे। ये तो कैसे मनाओगे जन्माष्टमी? कैसे लाला का जन्म मनाओगे? हम जन्माष्टमी, हमारी माता हमारी बहनें सब खुश होंगे तो हम खुश होंगे। ये विधि का विधान है, पाप का अंत है, बुराई का अंत है, सच्चाई की जीत है। अंत करूंगा पूरे ब्रह्मांड का, काल भी माँ काल भी मैं। समझा? सबका बाप हूँ मैं, माँ काल हूँ मैं। देखिए ये संत यहाँ पर आए हैं, और भी भक्त हैं, इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजनी सुमन है, और हम लोग महाकाल की नगरी उज्जैन से यहाँ पधारे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। हरि की नगरी में यहाँ पर हरि के जन्मोत्सव के महोत्सव के आनंद उठाने के लिए इस नगरी में यहाँ पर आए हैं। आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम इस नगरी में यहाँ पर पदार्पण कर पाए, ईश्वर की कृपा है, हरि की इच्छा। कैसे भाव आ गए, मुझे यहाँ मनाना चाहिए क्योंकि महाकाल की नगरी से सीधा कृष्ण की नगरी में। और हल्का मिलन तो शुरू से होता आ रहा है, हमारे यहाँ तो हर बार होता है। महाकाल की सवारियाँ निकलती है तो हरि और हल्का मिलन होता है। तो हरि के जो भक्त हैं और हर के ना, और हर के जो भक्त हैं वो हरि के ना, ये तो संभव ही नहीं है। हाँ, इसीलिए आप भी साथ में हैं। जी हाँ, हम भी महाकाल की नगरी उज्जैन से हूँ। श्री कृष्ण के जो शिक्षा स्थली है उज्जैन ही है। श्री कृष्ण भगवान ने उज्जैन में ही शिक्षा ग्रहण करी थी, इसलिए यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमको भी दर्शन करने का। आप बताइए। राधे राधे। राधे राधे। मैं नागपुर से आई हूँ, और पहली बार मैं ये दर्शन कर रही हूँ प्रभु श्री कृष्ण के। मैं इतने दिन से उनसे लड़ रही थी कि सबको बुलाते मुझे क्यों नहीं बुलाते। तो आज ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इतनी दूर से मुझे बुलाया इधर, हमने दर्शन दिए, बर्थडे के दिन बुलाया मुझे। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लग रहा है, और नागपुर के लोग तो बहुत आते हैं इधर साइड सब, पर मैं पहली बार आई हूँ। कैसे मनाएंगी, कैसे भजन सुनाएंगी ठाकुर जी को? मैं तो बहुत अच्छा भजन सुनाऊंगी। मैं मधुबन जाऊँ मेरा रोवे कन्हैया, मैं मधुबन जाऊँ मेरा रोवे कन्हैया, वो दूध नहीं पीवे मलाई नहीं खावे, वो दूध नहीं पीवे मलाई नहीं खावे, कहाँ से लाऊं लाल कोहे माखन मिसरिया, कहाँ से लाऊं लाल कोहे।
सन्नी सरिया। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती, शुक्रिया आप लोगों का भी। आइए नागपुर हमारे उधर भी खुश है यहाँ आकर, और भी अनेकों अनेक भक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है तो यहाँ पर कोई ठाकुर जी के भजन गा रहा है। आप जिधर देखें उधर आपको श्रद्धालु श्रद्धालु नजर आएंगे, और पूरा जो मथुरा है पूरा रोशनी देना है, हर चौराया रंग बिरंगी लाइटों से पूरा मथुरा आप देखेंगे दुल्हन की तरह सजाया गया है। रोड भी आप देखेंगे, रोडों पर लाइटें लाइटें नजर आई, श्रद्धालु अपने ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से मथुरा आ रहे हैं। और आप देखिए इधर भी भक्त आपको दिखाई देंगे, और राधे 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 राधे। कहाँ से आप लोग आए हैं? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से यहाँ पर ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए, कैसी अनुभूति, कैसा लग रहा है फीलिंग? हमारी बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें यहाँ पे आने को मिला आज के दिन, और जैसे आप देख रहे हैं कितना सुंदर सजा के रखा है दुल्हन की तरह मंदिर को, और काफी अच्छा लग रहा है ये सब देख। क्या करते हैं आप लोग? मैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट हूँ। हम दोनों ही। तो कैसे मन में भाव आ गया कि मुझे जाना चाहिए यहाँ पर जन्मोत्सव मनाने के लिए? हमें घूमना पसंद है इन जनरल, तो हमें लगा कि जन्माष्टमी पे यहाँ होना ही चाहिए, तो हम यहाँ आ गए वृंदावन कल। तो भाव आ गया एकदम से कि मुझे जाना ही चाहिए। है कोई प्लानिंग नहीं थी? बिल्कुल नहीं, डिसाइड किया क्योंकि भगवान तो कभी ना कभी किसी को बुला ही लेते हैं अपने भक्त को। सही बात है। तो कैसे मनाएंगे आप घर पर भी अपने पे? घर पे तो इतना धूमधाम से नहीं होता है काफी, पर इसलिए यहाँ पे आने का ज्यादा मन किया। और हम आगे कोई भजन वगैरह सुनाते हैं ठाकुर जी को, भगवान को? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 राधे। कहाँ से बजा रहे? राधे राधे। कहाँ से आए? कलकत्ता से। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छे लग रहे हैं। कलकत्ता से भी यहाँ पर आए हुए हैं, और नन्हे मुन्ने बालक भी आपको दिखाई देंगे जो नटखट गोपाल के रूप में होते हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। आप दर्शन कीजिए यहीं से, श्री कृष्ण जन्म स्थान के यहीं पर ही हमारे नंदलाला का जन्म हुआ था, और जन्म होने के बाद यहीं से ही वासुदेव जी उनको एक टोकरी सूप में रखकर गोकुल लोग ले गए थे, और गोकुल यमुना पार करके ले गए थे। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना जी को पार करते हुए ले गए थे, और यमुना उस समय द्वापर युग में यमुना जी बड़ा ही ऊंचाई से बह रही थी, और ठाकुर जी के चरण छूने के बाद उसका रौद्र रूप था वो नीचे हुआ, इसीलिए आज भी यमुना महारानी को भगवान श्री कृष्ण की पटरानी कहा जाता है। और कृष्ण का जो जन्म उत्सव है वो 5251 यहाँ पर मनाया जा रहा है, और प्रशासन ने भी बहुत ही अच्छी तैयारी की ताकि श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। चलते चलते एक बार मैं आपको पुनः दिखा देता हूँ, दर्शन कीजिए और देखिए कैसे जगमगा रहा है हमारे भगवान श्री कृष्ण का द्वार, हमारे भगवान श्री कृष्ण का स्थान। और ये देखिए आप कितने रोशनी से नहाया हुआ है, क्योंकि जब घर में कोई नन्ना मेहमान आता है तो उसके आने की तैयारियां जैसे महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में भी तैयारियां कई महीनों से शुरू हो जाती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनके कान्हा का जन्म उत्सव बड़ा ही धूमधाम से मने और आनंद के साथ मने, इसी कारण से ही ये तैयारियां हैं ब्रज की, और पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी यहां पर मनाते हैं। आप देखेंगे कि विदेशी भक्त भी इस्कॉन में, आप इस्कॉन में देखेंगे तो इस्कॉन में विदेशी भक्त झूमते हुए नजर आएंगे और कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हुए नजर आ रहे हैं। राधे राधे।